ट्रेडिंग कॉल्स जाने का। और रोहित, आपकी तरफ से आज के लिए दो ट्रेड कौन से होंगे? पूजा, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर काफी वीक है, प्लस सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिलहाल तो मैं एक ही ट्रेड रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि रहेगा ऑरो फार्मा के अंदर। देखिए ऑरो फार्मा के अंदर मेरा सेल कॉल रहेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ दिन पहले हम लोग को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था ऑरो फार्मा के अंदर, वापस से एक पुल बैक देखा, बट पुल बैक सस्टेनेबल नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑरो फार्मा के अंदर आपको शॉर्ट्स की रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 505 का रहेगा, और ऑन इमीडिएट बेसिस जो मैं स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो 527 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ऑलरेडी बन चुका है, जो कि आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ऑरो फार्मा के अंदर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी पूजा। 505 टारगेट, 527 स्टॉप लॉस। एक ही स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ बिल्कुल, मार्केट वॉलेटाइल है तो ज़्यादा ट्रेड लेने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जो अच्छे और कन्विक्शन के साथ कॉल्स दिख रहे हैं, ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं पर इस वक्त नज़र रखनी चाहिए। और रोहित हमें इस वक्त ऑरोबिंदो फार्मा में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 505 के टारगेट के साथ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, और खबर है SBI से जुड़ी। SBI से बड़ी जो खबर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए नई सब्सिडियरी लाने की योजना बना रहा है। इसे लेकर SBI के आगे की क्या प्लान है बताने के लिए अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस खबर से जुड़ी? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत की है एक ऑपरेशनल सब्सिडरी सेट करने के लिए SBI की, जिससे वो कामकाज को और भी सुदृढ़ कर सके। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मीटिंग्स की गई हैं पिछले कुछ दिनों में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इनपुट्स हैं जो ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी के स्ट्रक्चर को लेकर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बता दिए हैं, और बोला है कि वो चेंजेस करके वापस रेगुलेटर के लिए अप्रूवल के लिए आए। जो एक सैद्धांतिक मंजूरी होती है ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी सेट करने के लिए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑलरेडी मिल चुकी है, और अब इंतजार यही है कि जब फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो वो ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी को स्टेट बैंक शुरू कर पाए। आखिर ये चाहते क्यों है कि क्यों ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी सेट हो? तो बैंक का मानना यही है कि जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है इससे, इस वजह से रेवेन्यूज में बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें तो वो करीब अभी 53% के ऊपर है, जो बैंक का अनुमान यही है कि इसको 50% के नीचे लाया जाए और जो रिवेन्यूज हैं वो बैंक के बढ़ाए जाएं। तो इंतजार अब यही है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनल अप्रूवल देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी को। तो ये खबर है, और SBI नए सब्सिडी लाने की तैयारी में है। मेन इनके कॉस्ट में कमी आएगी और कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है इनका वो 50% के नीचे ले जाने की योजना है। इस वजह से ये सब्सिडरी लाने की बात की जा रही है। अभी फिलहाल SBI ने ET ना स्वदेश की क्वेरी पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। SBI इस वक्त देखें तो करीब करीब 3.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। रोहित, SBI के चार्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आप पूछा, देखिए अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है, 442 440 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर होल्ड कर रहा है आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते कि पुल बैक आया, बट जैसे ही अगर वो ब्रेक हो जाएगा 440 का सपोर्ट तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। तो एज ऑफ नाउ जो है स्टांस थोड़ा वीकर स्टांस ही है। मुझे लग रहा है कि आपको सपोर्ट्स पे ध्यान रखकर चलना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश ट्रेड्स लेने हैं तो मुझे लग रहा है कि 440 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा नीचे के साइड में, तब मुझे लग रहा है कि आप शॉर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ थोड़े लॉन्ग्स अवॉइड करके चलेंगे। ओके ओके, तो ये रहा है SBI में आपको।